Alright friends, this question I'm given here. In a YDSE, Young's double slit experiment, the amplitudes of the two waves incident on the two slits are A and 2A. Okay, तो हमें ये given है कि YDSE में जो amplitudes हैं दोनों sources के वो A और 2A हैं. If I not is the maximum intensity, okay, then the intensity at a spot on the screen where the phase difference between the two interfering waves is phi, okay. तो हमें पहली बात तो ये कि इंटेंसिटी जो एक स्लिट से आ रही है आई वन, उसे अगर लिखना हो तो आपके पास होगी के इंटू ए स्क्वायर. इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. सेकंड स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रही है आई टू, अगर आप उसे लिखेंगे तो आपके पास आएगा के इंटू टू ए होल स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड स्लिट पे एम्पलीट्यूड टू ए, सेकेंड स्लिट से जो वेव्स निकल रही हैं उनका एम्पलीट्यूड टू ए है. और इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी फोर टाइम्स आई वन, टू स्क्वायर इज़ फोर, तो ये के ए स्क्वायर तो आई वन ही है. तो आपके पास सेकेंड स्लिट की जो इंटेंसिटी है वो फोर टाइम्स फर्स्ट स्लिट की इंटेंसिटी हुई. और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसका फॉर्मूला होता है आई वन प्लस आई टू, रेदर स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आई टू एंड इट्स होल स्क्वायर. ये आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है. तो अगर आप वैल्यूज फिल करें आपके पास ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ आई टू, अगर आप देखें तो वो आपके पास आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ फोर आई वन और फिर इसका होल स्क्वायर. ये आपके पास इवेंचुअली आ जाएगा रूट आई वन प्लस टू रूट आई वन, दैट इज थ्री रूट आई वन और इसका होल स्क्वायर, यानी इवेंचुअली आपके पास आंसर आता है नाइन आई वन. तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है. और किसी भी पॉइंट जहाँ पे फेज डिफरेंस फाई होता है वहाँ की जो इंटेंसिटी होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, दैट इज गिवन बाय आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन आई टू को साइन फाई. तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं. देखिए आई वन को आई वन रहने दीजिए, आई टू की वैल्यू आपके पास है फोर टाइम्स आई वन, फोर आई वन प्लस टू इंटू रूट ऑफ आई वन को आई वन रहने दीजिए, आई टू की वैल्यू फिल कर दीजिए फोर आई वन देन को साइन फाई. और फर्दर सॉल्व करने भी आपके पास आता है फाइव आई वन, यहाँ से भी आई वन स्क्वायर जो है वो हो जाएगा अंडर रूट से बाहर आ गया, आई वन हो जाएगा, फोर का रूट हो जाएगा टू, टू इंटू टू हो जाएगा फोर. तो इवेंचुअली आपके पास आएगा आई वन कॉमन फाइव प्लस फोर कोसाइन फाइव. ऑलराइट, और आई वन की वैल्यू हमें यहाँ से ढूंढनी होगी. देखिए आई वन जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी, इनफैक्ट उसकी वैल्यू हमें गिवन है आई नॉट. I1 आप लिख सकते हैं एज I0 by 9 और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे भर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आई I0 by 9 मैक्सिमम इंटेंसिटी by 9 into 5 प्लस 4 cosine 5. तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है ऑफ द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन जहाँ पे फेज डिफरेंस है phi. और ये गिवन है हमें ऑप्शन नंबर सी में I0 by 9 5 प्लस 4 cosine 5. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी.